हेलो एवरीवन। सो आज मैं आपको लॉटरी कॉन्ट्रैक्ट का डेमो दिखाने वाला हूँ। तो लॉटरी बेसिकली आप नाम से ही समझ रहे होगे, लॉटरी है ना। तो किसी की भी लॉटरी अगर लगे तो इसमें आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बेसिकली करने क्या वाला हूँ, मैं बेसिकली करने ये वाला हूँ कि यहाँ पे मतलब एक लॉटरी है ना, लॉटरी का एक वेब एप्लीकेशन है। उसमें यहाँ पे मतलब हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे आता हूँ और जो भी हमारा ट्रांजेक्शन होगा वो एक क्रिप्टो करेंसी में होगा, मेटामास्क के थ्रू। मेटामास्क अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। मेटामास्क एक वॉलेट है ना, जैसे कि हमारे कई सारे क्रिप्टो के वॉलेट होते हैं ना, जैसे कि बाइनेंस हो गया या ट्रस्ट वॉलेट हो गया या ऐसे कई सारे वॉलेट होते हैं है ना, जिसमें हम अपना क्रिप्टो स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक उसी तरह मेटामास्क भी हमारा एक वॉलेट होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट, एक लॉटरी कॉन्ट्रैक्ट बनाया है ना। उस कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज कौन कर रहा है, मेरा मैनेजर। और मेरा मैनेजर कौन है, इस एड्रेस पे, इस एड्रेस पर जो भी होगा वो मेरा मैनेजर होगा, राइट। अभी अभी करंटली हमारे कॉन्ट्रैक्ट में, लॉटरी में कोई एंटर नहीं किया है, राइट। तो यहाँ पर दिखा रहा है देयर आर करंटली जीरो पीपल एंटर्ड। ओके, सो कॉम्पीटिंग टू विन मतलब हमारे हमारे लॉटरी कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी पैसा नहीं है, ठीक है। तभी वो दिखा रहा है जीरो इथर, है ना, इथर का मतलब इथीरियम, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ओवरऑल एप्लीकेशन है वो हमारे इथीरियम ब्लॉकचेन पर बना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देर आर करेंटली जीरो एप्लीकेशन, जीरो पीपल एंटर्ड। तो हम यहाँ पे अभी अभी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी पीपल नहीं है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एक करके लोगों को एंटर कराएंगे और हम चेक करेंगे कि हम पिक विनर सेलेक्ट करेंगे, राइट, रैंडमली, ठीक है। तो वो पिक विनर कोई भी हो सकता है ना। जैसे मैंने यहाँ पे अपने वॉलेट में टेस्ट ईथर्स डाल रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो 31.7216 ईथर मेरे पास इस वॉलेट में है, ठीक है। और सेकेंड अकाउंट टू में मेरे पास 7.9 ईथर है, ओके, राइट। एंड थर्ड वन इज अकाउंट थ्री 1.99, ये इतना मेरे ईथर थर्ड अकाउंट में है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे टेस्ट इस एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे, ठीक है, क्या ये सही काम कर रही है, ओके। और सेकेंड वन हम एक पिक विनर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जितने भी हम लोग अपने लॉटरी में एंटर करवाएंगे उन लोगों में से हम कोई भी एक पर्सन सेलेक्ट करेंगे, हम नहीं करेंगे ये, मतलब हमारा लॉटरी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खुद करेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई, हम यहाँ पे चीटिंग नहीं कर सकते किसी के साथ, मेरे कहने का मतलब ये है ना। मतलब ब्लॉकचेन का असली यूज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, राइट, ठीक है। तो ब्लॉकचेन कैसे काम करती है, तो उसमें मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पे मतलब असली रियल यूज़ केस क्या है ब्लॉकचेन का, राइट, ओके। तो यूज़ केस ब्लॉकचेन का ये है कि हम यहाँ पे किसी के साथ भी चीटिंग नहीं कर सकते, है ना। जैसे मान लो मेरा कोई जान पहचान का आ गया, है ना, और मेरा कोई जान पहचान का आ गया और मैंने उसको विनर घोषित कर दिया, है ना, तो मैं ये नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये मैं कर ही नहीं सकता, कैसे नहीं कर सकता अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लोगों को एंटर कराते हैं अपनी लॉटरी में, ठीक है। जैसे मान लो कि ये देखो यहाँ पे मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को मैनेज कौन कर रहा है, इस एड्रेस का ओनर, ठीक है। ये एड्रेस कहाँ पर है, ये एड्रेस मेरे मेटामास्क में है, ठीक है। मेटामास्क का पहला जो मेरा अकाउंट है वो इस एड्रेस को ओन कर रहा है, ठीक है। इवन ये वाला, ये मैनेजर भी इस पैसे को नहीं ले सकता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट में होगा, राइट। तो अब पहले बात करते हैं, तो ये जो मेरा एड्रेस देख रहे हो 584, तो यही मेरा क्या है, मैनेजर है, राइट, ओके। तो अब मैं जल्दी से क्या करता हूँ, लोगों को एंटर कराता हूँ अपनी लॉटरी कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। तो पहले मैंने एक एक पीपल लिया, वो आया सेकंड अकाउंट में, मेरे अकाउंट टू में इतने ईथर हैं उसके पास। मैं क्या करूँगा, पैसा डोनेट करूँगा अपने लॉटरी में। मैंने एक ईथर लेटर सपोज डिनोट किया, ठीक है, एंटर, मैं लॉटरी में एंटर कर रहा हूँ, ओके। अब ये मुझसे कुछ गैस फीस मांग रहा है, तो मैं इसको हाँ बोल देता हूँ, लो गैस फीस ले लो, ठीक है। तो वो मिनिमम अमाउंट होता है, थोड़ा सा काटेगा वो, ठीक है। तो वेट कर लेते हैं थोड़ा सा ट्रांजेक्शन होने के लिए, ओके। तो ये यहाँ पर ट्रांजेक्शन वेट हो रही है, ओके। तो ये यू हैव एंटर, राइट, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कम्प्लीटेड, ओके। तो ये हम ईथर स्कैन पे जाकर देख भी सकते हैं, ठीक है, अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं रिफ्रेश करूँगा इस एप्लीकेशन को, अब यहाँ पर देखेंगे कि एक एक पीपल एंटर कर गया, एक एक पर्सन एंटर कर गया है मेरे कॉन्ट्रैक्ट में, राइट, ठीक है। और सेकेंड सेकेंड क्या है, एक ईथर उसने डोनोट किया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एक और पर्सन को मैं एंटर कराऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसके अकाउंट से भी पैसा कट गया है, ठीक है, इसके अकाउंट से भी पैसा कट गया है। सेकंड सेकंड वन इज इसके अकाउंट में इतना ईथर है, मैं इसके अकाउंट से भी 1 रुपया डालूंगा, सॉरी 1 ईथर डालूंगा, रुपया नहीं, राइट, ओके। तो यहाँ पर 1 ईथर मैंने डाला, एंटर किया, तो यहाँ पर
ये मुझसे गैस फीस मांग रहा है, सेलेक्ट किया, ओके किया, यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो रही है, वेट कर लेते हैं। सो ट्रांजेक्शन हो रही है, ओके ओके, नाउ यू हैव एंटर्ड, ठीक है, ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कन्फर्म्ड, ओके। तो माइंड हो चुका है हमारा ट्रांजेक्शन, उसके बाद हम रिफ्रेश करेंगे अगेन, तो यहाँ पर देखेंगे कितने लोग आ गए हैं, तो अभी रिफ्रेश हो रहा है, ओके राइट, दो लोग आ गए हैं, दोनों ने एक एक इधर दिया है, ओके। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं मैनेजर हूँ है ना, तो मैं मैनेजर के एड्रेस पर पहले चला जाता हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं मैनेजर एड्रेस पे चला गया, ओके, मैं एड्रेस पे चला गया। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं विनर को पिक करूँगा, राइट, मैं क्या करूँगा, मैं विनर को पिक करूँगा। अब ये मैं रैंडमली कर रहा हूँ है ना, कोई भी हो सकता है इन दोनों में से, विनर कोई भी हो सकता है ना, हो सकता है कि मेरा पहला वाला पर्सन जीत जाए है ना लॉटरी, हो सकता है सेकंड वाला पर्सन जीत जाए। अब ये मेरे हाथ में थोड़ी ना है ना, ये मेरे हाथ में नहीं है कि मैं सेकंड वाले को ही विनर बनाऊं है ना, या थर्ड वाले को ही विनर बनाऊं, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये रैंडमली सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है, हो सकता वो फर्स्ट वाला भी सेलेक्ट होता है, हो सकता है वो सेकंड वाला भी सेलेक्ट हो सकता है, ठीक है, अभी देखते हैं विनर कौन बनता है। सो यू आर नॉट अ मैनेजर, पहले तो वो बोल रहा है यू आर नॉट अ मैनेजर, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैनेजर कौन है इस एड्रेस पे जो अकाउंट है, ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि इस एड्रेस पे क्या मैं इसी एड्रेस से ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैं ट्रांजेक्शन DFD3 वाले से कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट, जाहिर सी बात है मेरी एप्लीकेशन बोलेगी कि तुम ऐप मैनेजर नहीं हो, ओके, तो इट इज़ करेक्ट, ओके राइट, इट इज़ करेक्ट, तो माई एप्लीकेशन इज़ वर्किंग फाइन, ओके। सो पहले मैं मैनेजर बन जाता हूँ, तो मैं मैनेजर बन गया, 0584 मैनेजर का ही अकाउंट है, 0584 मैनेजर ही मैनेजर है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं पिक विनर को कॉल करूँगा, अब पिक विनर को कॉल किया मैंने, अब बोल रहा है कि आप गैस फीस दो तभी मैं ट्रांजेक्शन करूँगा, तो यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन कंफर्म करूँगा, तो ट्रांजेक्शन हो रही है ना, अभी देखते हैं कि विनर कौन बनता है। वेट कर ले, अब विनर इज पिक्ड, ठीक है, और ट्रांजेक्शन हमारी कंफर्म हो गई है, इथेरियम की ब्लॉकचेन पर चल रहा है ये सारा काम, तो देखते हैं ट्रांजेक्शन कंफर्म हो गई है, अभी हमारा जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो भी बैलेंस है वो खाली हो गया होगा, तो यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं, ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें कि देयर आर करेंटली जीरो पीपल एंटर्ड है ना, कॉम्पीटिंग टू विन जीरो ईथर, अभी हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जीरो ईथर है, अब देखते हैं विनर कौन बना है, जिसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो गया होगा वो हमारा विनर हो गया होगा, तो जाहिर सी बात है हमारा विनर है अकाउंट नंबर 2। तो ये क्या है, ये एक ब्लॉकचेन की बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, ब्लॉकचेन का बहुत अच्छा यूज़ केस है, आई होप आपको समझ आया होगा कि ब्लॉकचेन काम कैसे करती है ना, ब्लॉकचेन में यहाँ पे कोई भी लॉगिन पेज नहीं है, इसका मतलब क्या है, कोई भी आपका डेटा स्टोर करके नहीं रख रहा है ना, यहाँ पर सीधा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक बिजनेस लॉजिक लिखा गया है, उसके थ्रू ही ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, ना मैनेजर आपके पैसों को रख रहा है, ना आपका पैसा कोई दूसरा पर्सन रख रहा है, राइट। तो आई होप ये एप्लीकेशन आपको काफ़ी समझ में आई होगी, और बहुत ही अच्छा यूज़ केस आपको ब्लॉकचेन का मिला होगा, ठीक है, और आई होप चीज़ें आपको समझ में आई हो, ठीक है, चलते हैं इसी के साथ, मिलते हैं फिर कभी, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।